सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 अपकमिंग 125 सीसी बाइक्स के बारे में, जो कि आपको इंडियन मार्केट में 2020 के एंड से पहले देखने को मिल जाएगी। एंड यहां पे जो है कुछ ऐसी भी बाइक्स होने वाली जो फुल फेयरिंग में होने वाली है, एंड कुछ एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक भी होने वाली। सो गाइस, आज की वीडियो में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको इन बाइक्स में स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले, क्या कुछ इनमें फीचर्स मिलने वाले हैं, एंड कितनी क्या प्राइसिंग होने वाली, एंड कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली। सो गाइस, वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन का आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्वेश्चन यही है, इसी से रिलेटेड है कि सबसे पहली BS6 125 सीसी बाइक कौन सी आई थी इंडियन मार्केट में, क्या नाम था, एंड कौन सी कंपनी लेके आई थी। सो उसका आंसर आप नीचे दे सकते हो। वैसे ज्यादातर लोगों को आपको पता ही होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में नहीं पूछता, इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूँ। तो इसका आंसर आप नीचे दे सकते हो। गूगल वगैरह पे ट्राई मत करना, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, सही गलत जो आपको पता है वो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अभी फर्स्ट बाइक के बारे में। फर्स्ट बाइक हमारे पास आती है यामा की R125, जिसके जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी 99% चांसेज है इस बाइक के कि ये आपको जो है इंडियन मार्केट में नवंबर 2020 में देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे ये बाइक जो है डायरेक्ट कम्पीट करने वाली है RC125 से एंड अपकमिंग Tuano 125 से। तो यहाँ पे जो है यामा भी अपनी इस बाइक को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। आपको पता है R5 की जो है BS6 अपडेट के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ गई, और उसकी जो पावर वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। सो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई R5 लूँ या फिर RS200 लूँ। सो हर कोई बंदा जो है, हर कोई तो नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादातर जो बंदे हैं वो RS200 की तरफ मूव कर जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है उस वजह से 125cc बाइक को इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाला है यामा। एंड यहाँ पे इस बाइक में गाइस आपको 124cc का सिंगल सेंटर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। मैं आपको बता दूँ, सेम बॉडी डिजाइन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंजन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस इंजन में जो है आपको 14.8 BHP की पावर एंड 12.4 न्यूटन मीटर्स तक का टॉर्क देखने को मिलेगा। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। 40 से 45 तक की आपको माइलेज मिल जाएगी, या फिर इससे ऊपर भी मिल सकती है। गाइस यहाँ पे जो है आपको 120+ तक की हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, डायरेक्ट कंप्लीट करेगी, मैंने आपको बताया RC125 से। एंड इस बाइक में गाइस आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज वगैरह एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है। वही सेम मीटर कंसोल मिलेगा जो आपको R5 में मिलता है। बाकी गाइस इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.20 लाख, एक्स शोरूम ऑन रोड जा सकती है 1.35 लाख तक। सो देखते हैं कितने में लॉन्च होती है बाइक। सो चलिए बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक हमारे पास आती है बनेली की तरफ से, बनेली BN125, जो कि कुछ दिन पहले देखी भी गई थी एक डीलरशिप में, जो है कुछ पिक्चर्स वगैरह लीक हुई थी। सो ये बाइक भी जो है फेस्टिवल सीजन में लॉन्च हो जाएगी। इस बाइक में भी जो है आपको 125cc का सिंगल सेंटर फोर स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। ये जो बाइक है वो डायरेक्ट कम्पीट करने वाली है ड्यूक 125 वगैरह से। यहाँ पे गाइस आपको 11.1 BHP की पावर, 10 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 5 स्पीड का गियरबॉक्स एंड यहाँ पे 40 से 45 तक की माइलेज दे देगी आपको। 120 तक की आपको हाई स्पीड मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर वगैरह या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन ये सब मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको फुली LED DRLs वगैरह मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मस्कुलर लुक आपको मिल जाएगा इस बाइक में। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिलेंगे एंड रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाएंगे। गाइस इंडियन मार्केट में भी आपको फ्रंट में USD और रियर में मोनोशॉक ही मिलेंगे, यहाँ पे कोई टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलने वाले। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती है वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करती कॉस्ट कटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में USD ही मिलेंगे। इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 80,000 to 90,000, बिकॉज इसमें जो आपको एयर कूलिंग मिलती है, ना ही ऑयल कूलिंग या फिर ना ही लिक्विड कूलिंग वगैरह, एंड यहाँ पे पावर वगैरह भी कुछ खास नहीं मिलती आपको। तो उस वजह जो है इसकी प्राइसिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये जो है ऑन रोड आपको इजीली मिल जाएगी 1.20 लाख तक हाईएस्ट। सो ये बाइक जो है जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, कुछ दिन पहले डीलरशिप में देखी गई थी। सो बाकी जो है लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है, वरना अभी तक शायद लॉन्च हो जाती है। तो चलिए इस बात करते हैं लास्ट बाइक के बारे में। लास्ट बाइक हमारी लिस्ट में आती है एप्रिलिया की Tuano 125, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ। सो ये बाइक भी जो है 2020 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। ये जो बाइक है ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है इसकी एप्रिलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया के लिए, तो उस पर जो है ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग कर रखी है। वहाँ पे फीचर्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग नहीं डाली हुई। सो ये जो है लॉकडाउन की वजह से ही डिले हो रही है, वरना अभी तक ये भी लॉन्च हो जानी थी। सो इस बाइक में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 15 BHP की पावर, जो कि R125 से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जो है R125 से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 10.9 न्यूटन मीटर्स, जो कि आपको R125 में 12.4 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। सो गाइस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दोनों बाइक्स की आपको लगभग सेम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स, 40 से 50 तक की माइलेज मिल जाएगी, 125+ तक की हाई स्पीड मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS, उसी के साथ साथ सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी यहाँ पे आपको,
तीन तीन हेलोजन हेडलाइट मिलेगी जिनकी वजह से जो है आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन रियर में मोनोशॉक मिल जाएंगे। सो बाकी गाइस इसकी जो प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.20 लाख इसकी एक्सशोरूम प्राइस जा सकती है। हाईएस्ट जो है इसकी ऑन रोड जाएगी 1.40 लाख में जो है आप इस बाइक को बाय कर पाएंगे इंडियन मार्केट में। बाकी जो है लॉन्च पे आपको एक्जैक्टली प्राइस पता चल जाएगी क्या कुछ इसकी प्राइसिंग होने वाली है। बाकी गाइस आज की वीडियो में यही कुछ बाइक्स थी जिनके बारे में आपसे बात करनी थी। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो इंस्टा पे डीएम कर देना एमआरडी व्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी, वहां पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।